हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। थैंक यू सो मच, मेरे 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आप लोगों का प्यार था, तो वीडियो मेरी आप लोगों ने पसंद की, सब्सक्राइब किया, आई एम रियली रियली थैंकफुल। और आज बात करूँगा कि आप बैंक ऑफ बलेता, यहाँ का जो लोकल बैंक है, आप उसमें अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। इवन किसी भी बैंक में आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे माल्टा में रह रहे हो और आप नए हो। तो अगर आप इंडिया से प्लानिंग भी कर रहे हो यहाँ आने की, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर करना है, फॉलो करना है, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरी बैंक ऑफ बलेता की अपॉइंटमेंट है। आप पीछे से देख सकते हैं BOB। ये मैं गया था उनके पास, मंडे को गया था मैं, लास्ट मंडे को। तो उन्होंने मुझे, आज मंडे है, आज की मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, 11:30 की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो वो जो अपॉइंटमेंट जहाँ से मैंने लिया है वो एयरपोर्ट के पास में एरिया है, तो सबसे ईजी वे मुझे वहीं पे लगा। नहीं तो मैं जितने भी बैंक में गया, BOB के, बैंक ऑफ बलेता के, सभी ने मुझे बोला कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। मैंने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया तो मुझे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं दोबारा उस बैंक में जब गया था वापस, तो फिर उन्होंने बोला कि इट टेक्स 4 वीक्स। 4 वीक के बाद वो हमारा जो एप्लीकेशन होता है उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद हमें फ़ोन करके बोलते हैं, हमें अपॉइंटमेंट देते हैं। सेम मैंने यही सिनेरियो मैंने HSBC का किया था। मैंने HSBC की मुझे अपॉइंटमेंट मिल तो गई थी। मैंने अप्लाई कब किया था, फेब में अप्लाई किया था और मुझे अपॉइंटमेंट मिली है 13 मई की। अब ये खुद देख लो, HSBC में मेरा जल्दी हो भी जाता है, लेकिन मैंने जो ब्रांच चूज़ किया था, मैंने गलत ब्रांच चूज़ कर लिया था। जो बहुत बिजी ब्रांच होता है माल्टा में, मैंने वो चूज़ कर लिया क्योंकि वो मुझे नज़दीक पड़ता था। अगर आप यहाँ पर हो, अगर अप्लाई कर रहे हो HSBC में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो मेक श्योर आप ज़ुरिक का, एक ज़ुरिक नाम का प्लेस है, आप वहाँ का अपॉइंटमेंट ले लो। तो आपको 1 महीने के बीच में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर आपने ज़ुरिक सेलेक्ट किया होगा। तो अदर्स सेलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और डॉक्यूमेंट क्या लगता है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपका लगेगा TRC कार्ड, आपका लगेगा लीज एग्रीमेंट, आपका लगेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका जो कंपनी देती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा लगेगा। और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी जो आपको फिलअप करनी पड़ेगी दोनों सिनेरियो में, HSBC में भी और बैंक ऑफ बलेता में भी। अगर आप एयरपोर्ट के पास जाते हो, जो मैंने आपको बताया है एयरपोर्ट का जो एरिया, लुका एरिया कहा जाता है उसको, और वहाँ पे है बैंक ऑफ बलेता, अगर आप वहाँ जाते हो, आपको वो आपको हैंड टू हैंड आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। कोई भी आपको अपॉइंटमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूँ, उन्होंने लिख के दिया था मेरे को। ID कार्ड चाहिए आपको, जो TRC कार्ड जिसे हम कहते हैं, लास्ट 3 पे स्लिप और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप तो यहाँ पे मोर देन 4-5 महीना हो गया आपको और आपके पास 3 पे स्लिप हैं तो वेर एंड गुड, अगर वो नहीं है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देती है वो चलेगा। और तो तीसरा चाहिए रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, जो आपका जो ऑनर है आपको एग्रीमेंट बना के देता है, लीज एग्रीमेंट वो। और चौथा चाहिए टैक्स नंबर चाहिए आपका, CFR होता है, टैक्स नंबर होता है आपका, वो चाहिए। याद रखें जो टैक्स नंबर होता है वो कंपनी नहीं देती होती आपको, आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है। 153 एक नंबर होता है, आप उस पर डायल करोगे तो आपको टैक्स नंबर मिल जाएगा, उस पर आपको अपनी डिटेल वगैरह देनी होती है तो आपको दे देते हैं वो, या फिर ईमेल भी कर सकते हो आप इन लोगों को। तो ये थी छोटी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट आपने कैसे ओपन करना है। कई लोग रेवोल्यूट अकाउंट खोल के बैठे होते हैं, मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूट अकाउंट आपके लिए, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने करनी होगी, स्वाइप करना होगा कहीं, आपने कार्ड से यूज़ करना होगा, कोई सामान वगैरह लेना होगा या किसी को पैसे भेजने भी पड़ेंगे, है ना, उसके लिए काम है रेवोल्यूट। अगर आप सोचते हो कि मैंने आपने कहीं और किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो रेवोल्यूट से चल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा आपका। अगर आपने माल्टा से अगर कहीं, जैसे मान के चलो US और कनाडा के लिए आपने फाइल लगानी है, तो आपका अकाउंट होना चाहिए। और जब आप सबमिशन करते हो आपकी फ़ाइल वगैरह, तो मिनिमम 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, चाहे वो बैंक अकाउंट किसी में भी हो। HSBC में ये था कि वो इंटरनेशनल है वो, तो इसलिए मैंने उसमें सोचा था, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, उसमें मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बलेता में ओपन करूँगा। और फर्स्ट TRC आपकी जब एक्सपायर हो जाती है, जब सेकंड TRC कार्ड आपका आता है, देन आफ्टर दैट अगर आप US या कनाडा के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा के, इसीलिए लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते होते हैं। नहीं तो कई कई होते हैं जो कहते हैं कि हमने नहीं जाना आगे, रिवोल्ट से अपना काम चला रहे होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, फॉलो मी ऑन Instagram एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।